कमलेश अकेडमी आज न्यू नोटिफिकेशन वीडियो लेकर आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो नोटिफिकेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे एक एमपी गवर्नमेंट के द्वारा एक और नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वो कौन सा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो अभी एक और नया नोटिफिकेशन निकला हुआ है वो एमपी गवर्नमेंट का एमपी मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का निकला हुआ है। ये स्टार्ट हो जाएगा अपना फॉर्म 30 जनवरी 2023 से। तो चलिए आगे की डिटेल इसके फॉलोअप करते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा हुआ है, क्या क्या नहीं पूछा हुआ, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसके ऊपर जो चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की, इसमें जो वैकेंसीज निकली हुई हैं वर्ग 2 वर्ग 3 की अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई हैं। जैसे यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक, जो विषय शिक्षक होता है उसके निकली हुई माध्यमिक शिक्षक में उसके अलावा अतिरिक्त खेल संगीत गायन वादन इसकी भी निकली हुई। दूसरा यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक का भी दिया हुआ, इसमें विषय शिक्षक का नहीं है। जो प्राथमिक शिक्षक में दिया हुआ खेल संगीत वादन नृत्य वगैरह की, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वैकेंसीज निकली हुई। जो जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा रहेगी। तो इसके फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट देखी जाए तो अपनी 30 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ये लगभग 15 दिन फॉर्म भरे जाएंगे, 30 से 13 फरवरी तक। इसकी संशोधन तिथि भी दी हुई 30 जनवरी से स्टार्ट है 18 फरवरी तक। और जो इसमें मेन जो होता है एग्ज़ाम कब से होगा, एग्ज़ाम के डेट को लेकर बहुत असमंजस में रहते हैं कि इसमें एग्ज़ाम डेट भी क्लियर करके दी हुई है 25 अप्रैल 2023 मंगलवार से स्टार्टिंग हो जाएगी। इसकी जो फीस की बात की जाए तो 550 रुपये जनरल प्लस विभागीय शुल्क 100 रुपये, टोटल 600। इसमें भी 60 रुपीस और ऐड कर दिया जाएगा एमपी ऑनलाइन पोर्टल का, ये दिया हुआ है। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की जो फीस की बात कीजिए 250 प्लस विभागीय शुल्क 50, टोटल 300 रुपये हो गए। इसमें भी 60 रुपये ऐड हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 360, टोटल फीस हो जाएगी 360। इसमें जो दूसरी बात हो रही थी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम का टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, इसमें दो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। पहली शिफ्ट रहेगी 7 से 8 की, दूसरी 10 से 12 से 1 की। ये दो शिफ्ट में एग्ज़ाम कराए जाएंगे जो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम, माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक पद कोड 1, इसमें जो बात की जा रही है क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। संबंधित विषय के साथ स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष, यहाँ पर डीएलएड का भी जिक्र किया जा रहा है, 2 वर्षीय डिप्लोमा भी होना चाहिए। नेक्स्ट है संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बी एड, जिन लोगों का एक वर्ष का बी एड है वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। इसमें जो अगला दिया हुआ है संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शास्त्र में स्नातक उपाधि बी एड। इसके अलावा जो दिया हुआ कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय बी एल एड। अगला है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष संबंधित विषय पर 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बी ए बी एड बी एस सी बी एड या बी एड बी एस सी एड, ये होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो दिए हुए हैं संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों को साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय बीएड
विशेष शिक्षा ये दिए हुए हैं। इसमें जो बात की जाए कि कितना आपका कट ऑफ रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए, उसका भी इन्होंने डिक्लेयर करके दिया हुआ है कि 50% होना चाहिए SC ST OBC यानी पिछड़ा वर्ग EWS वाले व्यक्तियों के लिए, एंड जनरल के लिए 60% का होना चाहिए। अब जो तीसरा मेन टॉपिक है कि इसमें एज कितनी रहेगी, कितने से स्टार्टिंग रहेगी, तो उसमें एज का भी दिया हुआ है क्लियर कि 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करनी होगी। विभागों के द्वारा समय की अधिकतम आयु गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं विभागीय भर्तियों के अनुरूप की जाएगी। इसमें एज की एलिजिबिलिटी भी दी गई है कि एज की एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कितने से स्टार्टिंग होनी चाहिए। यहाँ पे इनके पदों के वेतन की बात की जाए, माध्यमिक शिक्षक की जो वेतन है 32,800 प्लस महंगाई भत्ता, ये यहाँ पे वेतन भी डिक्लेयर किया हुआ है कि वेतन कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बताई जा रही हैं। यहाँ इसके सिलेबस की बात की जाए तो परीक्षा में की योजना में पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक के जो सिलेबस रहेगा बिल्कुल वर्ग एक की तरह ही रहेगा। इस परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे, जो इसकी अवधि होगी 2.5 घंटे की होगी। सारे क्वेश्चन MCQ होंगे, प्रत्येक एक अंक का होगा प्रश्न। इसमें 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर एक अंक काटा जाएगा। यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन माइनस मार्किंग भी दी गई है। जो इसमें दो भागों में सिलेबस रहेगा, भाग अ भाग ब। भाग अ 30 मार्क का है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, सामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं अंकिक योग्यता और पैडागोजी, ये सारे के सारे टॉपिक रहेंगे। जो पहले लैंग्वेज सिलेक्ट का ऑप्शन होता था, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ये सारे ऑप्शन अब हटा दिए गए। दूसरे भाग भाग की बात की जाए, 120 अंक का होगा। इसमें आपको दिया जाएगा कि आपका जो मेन सब्जेक्ट कौन सा है। मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिंदी, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारे टॉपिक 120 प्रश्नों के क्वांटिटी पर रहेंगे, संख्या पर, और समय 120 मिनट का दिया जाएगा। टोटल हो जाएंगे भाग अ भाग भाग के 30 प्लस 120, टोटल 150 प्रश्न। इसका स्तर जो रहेगा आपका हायर सेकेंडरी स्कूल के स्तर पर रहेगा। एंड इसके भाग भाग की बात की जाए, ये जो रहेगा आपका 9th कक्षा 9 कक्षा 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। यहाँ पे आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, अंग्रेजी का सिलेबस दिया हुआ है 5 प्रश्न का, यहाँ पे 7 प्रश्न का सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं अंकिक योग्यता 7 प्रश्न का दिया हुआ है। जो 30 प्रश्न का सिलेबस है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर 10 प्रश्न का ये दिया हुआ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। यहाँ पे सिलेबस की अलग नई वीडियो आपको बनाकर दे दी जाएगी, तो उसके लिए आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक है मैथमेटिक्स 120 प्रश्न का, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। मैथमेटिक्स का हो गया, विज्ञान में 120 प्रश्न का दिया हुआ है, क्या क्या सिलेबस है वो भी सारा मूल्यांकन दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान, इसका भी मूल्यांकन पूरा का पूरा दिया हुआ है, क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्या क्या नहीं पूछा जा रहा है, वो सारे सारे टॉपिक दिए हुए हैं। हिंदी में भी सेम कहानी है, इंग्लिश की भी सेम कहानी है, संस्कृत की भी सेम कहानी है, उर्दू, हाँ। अब बात की जाए माध्यमिक शिक्षक खेल पद पद कोड 2, इसकी बात की जाए, इसमें भी थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि इसमें क्या मांगा, BPEd मांगा हुआ है,
ठीक है। इसके अलावा इसके जो मार्किंग के जो वो दिया रहता है 50% 60% के समथिंग होना चाहिए न्यूनतम अंक कार्य। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो आजीवन रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। अगर अभी आपने ये क्वालिफाई कर लिया है तो आपको बार बार पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। इसके जो पदों का वेतनमान की बात की जाए तो इसमें वेतनमान दिया हुआ 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। इसके अलावा इसका सिलेबस वगैरह भी सेम ही दिया हुआ है 120 प्रश्न का। इसमें सब्जेक्ट का डिस्क्राइब कर दिया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अतिरिक्त जो भाषा सिलेक्ट का ऑप्शन रहता है हिंदी इंग्लिश एक दो लैंग्वेज का वो इसमें दिया हुआ है। इसमें शारीरिक शिक्षा का 120 प्रश्न का वो भी दिया हुआ है, सिलेबस भी दिया हुआ है क्या क्या सिलेबस पूछा जा रहा है। उसके आगे बात की जा करते हैं वर्ग तीन की। वर्ग तीन में प्राथमिक शिक्षा खेल पदकोड 4। इसमें वर्ग तीन का जो दिया हुआ है वो भी इसी तरीके से दिया हुआ है। इसमें जो मांगा हुआ है खेल से अदर एक्टिविटीज का मांगा हुआ है, खेल का हुआ है, संगीत का हुआ है, वादन का हुआ है, नृत्य का हुआ, ये सारे के सारे अलग अलग उसके दिए हुआ है। यहाँ तक कि आपको बताया जाए कि अभी जल्द ही वर्ग तीन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। अगला जो माइनस मार्किंग का दिया हुआ मूल्यांकन पद्धति, विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर एक अंक काटा जाएगा। आपका जो एक्चुअल अंक है उसको भी 4 अंक गलत होने पर एक अंक काट दिया जाएगा। अब इसके अंतिम खंड पर चर्चा करें, खंड सा फॉर्म भरने की समयावधि 30 जनवरी से 13 फरवरी तक 15 दिवस की है। इसका जो संशोधन की बात की है 30 से 18 फरवरी तक 20 दिन का टोटल संशोधन का टाइम पीरियड दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त जो बात की जाए परीक्षा का, परीक्षा कब से स्टार्ट होगी, 25 अप्रैल 2023 से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जो सेंटर्स की बात की जाए परीक्षा शहर कितने टोटल परीक्षा शहर दिए गए, इसमें टोटल 17 परीक्षा शहर दिए गए जिसमें बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये 17 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं एग्जाम शहर के। सबसे लास्ट में ये प्रोफार्मा दिया होता है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो लगाना, 4x5 का पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं जिसमें आपका नाम सही तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। वह फोटो 3 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सिग्नेचर किया जाए और जो लास्ट वाला बॉक्स होता है सेल्फ डिक्लेरेशन, इस पर सेल्फ डिक्लेरेशन आपको हिंदी इंग्लिश कोई से भी यहाँ पर इन दोनों में से एक करना होता है। ये आज की अपनी वीडियो वर्ग 2 वर्ग 3 नोटिफिकेशन के ऊपर थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।